नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजकीय सरस्वती शिशु मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय औरंगाबाद का 2023 केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा में सर्वोत्तम परिणाम हासिल किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सरस्वती शिशु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 2023 की 10वीं और 12वीं की CBSE बोर्ड की परीक्षा का परिणाम जिले में सर्व उत्कृष्ट रहा है। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री सुमंत कुमार जी ने समस्त आचार्यों और दीदी जी को इसके लिए बधाई दी। साथ ही उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले मेधावी भैया बहनों की उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी। विद्यालय प्रबंधन कारिणी समिति के डॉक्टर संजीव रंजन जी, उपाध्यक्ष डॉक्टर शिव पूजन सिंह ने भी, कोषाध्यक्ष अमन शेखर जी तथा सदस्य मनोरमा देवी जी ने भी संतोष प्रकट किया तथा उज्जवल भविष्य की कामना की। 10वीं कक्षा में 25 से अधिक भैया बहनों ने 90% या उससे ऊपर अंक प्राप्त किए। सर्वोत्तम कुमार ने 98.8% अंक लाकर विद्यालय को गौरवान्वित किया। सर्वोत्तम कुमार का लगन और परिश्रम प्रारंभ से ही अच्छा रहा। 12वीं कक्षा में भी 86% भैया सत्यजीत कुमार तथा 85% बहन अंजलि ने अंक प्राप्त किया। 10वीं बोर्ड में भैया सर्वोत्तम कुमार 98.8%, वर्ग एक्स एफ सुहाना कुमारी 96%, अदिति प्रिया 95.4%, एक्स बी सत्यम कुमार 94.2%, प्रिंस कुमार 94.21, सौरभ कुमार 94.2%, हर्ष राज 93.6%, उज्जवल कुमार 93.6%, आर्यन कुमार 93.51%, अमन कैस 93.21%, सुमन कुमारी 93.1%, हरिओम वत्स 92.81%, खुशी कुमारी 92.67%, रोशनी कुमारी 91.41%, अंजलि कुमारी 91.21%, प्रियेश रंजन 91.2%, अनुष्का कुमारी 91.21%, कोमल कुमार 90.8% सहित 25 भैया बहनों ने ऊपर अंक प्राप्त किया। विद्यालय के सभी आचार्य जी, दीदी जी, भैया बहन, अभिभावक को प्रधानाचार्य श्री सुमंत कुमार जी ने बधाई दी तथा भविष्य में भी जिला और राज्य स्तर पर अच्छा परिणाम लाने के लिए प्रेरित किया। और अंत में प्रधानाध्यापक महोदय ने कहा कि इस सेशन में आने वाली सभी विद्यार्थियों को 90%+ नंबर आने अर्जेंट को फीस में 50% की कटौती की जाएगी और उनको स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि अब समाज को अपने विद्यालय की उपलब्धि से अवगत कराना। हमारे विद्यालय में अभी जो कक्षा 10वीं का परिणाम आया है, इसमें भैया सर्वोत्तम कुमार इन्होंने 98.8% अंक प्राप्त किया है और जितने भी भैया बहन परीक्षा दिए थे उसमें से लगभग 25 भैया बहन ऐसे हैं जो 90% से ऊपर अंक लाकर इस विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया है। साथ ही जो अभी प्लस टू का हमारा रिजल्ट पब्लिश हुआ है, यूँ कहें कि प्लस टू का रिजल्ट हमारे आचार्यों, हमारे शिक्षक गणों का भी रिजल्ट है, क्योंकि ये पहला बैच था और पहले बैच में बच्चों का इतना अच्छा प्रदर्शन और मात्र मेरे पास से 15 ही बच्चे भी थे और इसमें से ये 2 बच्चे और लगभग 7-8 बच्चे ऐसे हैं जिनका कि फर्स्ट डिवीजन से अच्छा नंबर है और ये 2 भैया बहन हैं जो एक अंजलि कुमारी और एक इंद्रजीत मिश्रा, सत्यजीत मिश्रा, इन दोनों ने लगातार 86% और 85% ला करके न केवल विद्यालय का नाम रोशन किया है बल्कि अपने पढ़ाने वाले आचार्य गणों का मनोबल भी ऊंचा किया है और अपने पढ़ाने वाले जो आचार्य हैं उनको भी ये उनके लिए भी एक परीक्षा थी कि उन्होंने किस तरह से तैयारी कराई है। तो यूं कहें कि ये सारी बातें समाज के लिए एक समाज में जानी चाहिए कि हमारा जो विद्यालय का स्तर है, हमारे विद्यालय के पठन पाठन का स्तर है, यहाँ के भैया बहनों का स्तर है, यहाँ के आचार्य गणों का स्तर है, ये कितना उत्कृष्ट है कि एक सामान्य से बच्चे को लेकर के भी उनको 85% का या 98% तक का या 98.8% तक का उनको ले जाया जा सकता है। विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति की ओर से पूरे विद्यालय परिवार, खास करके इन दोनों बच्चों को
उज्ज्वल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। और ये देखते हुए कि जिस तरीके से ये पहला बैच है आपको बताया गया प्राचार्य महोदय के द्वारा, तो उसके अकॉर्डिंगली माना जाए कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसको हम समझते हैं कि आप चूँकि चौथे स्तंभ हैं लोकतंत्र के, इसको इसी परिप्रेक्ष्य में जनता के सामने औरंगाबाद जिला के सामने प्रेजेंट करने का काम करेंगे। हमारी यही अपेक्षा है कि हमारी उपलब्धियों को सार्थक तरीके से प्रस्तुति हो जिले के अंदर, ताकि और बच्चे भी अभिप्रेरित होकर के इस विद्यालय में नामांकन के लिए उत्सुक हो सकें, शिक्षा की गुणवत्ता को देखकर, यहाँ के अनुशासन को देखकर के, संस्कार रहित संस्कार जनित शिक्षा को देखकर। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि आज कोई भाषणबाजी का ये दिन नहीं है। टाइम न्यूज़ के औरंगाबाद से प्रमोद कुमार सिंह की रिपोर्ट।